नमस्कार, मैं अमित बैनर्जी और मैं काफ़ी दिनों बाद आपके बीच में आ रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत जुकाम हो गया था और उसकी वजह से शायद कहानियाँ लिख तो मैं ज़रूर रहा था लेकिन पढ़ने में दिक्कत हो रही थी, जुकाम हो रहा था, इसलिए मुझे लग रहा था शायद वो बात नहीं बन पाएगी। लेकिन वरुण श्रीवास्तव जी हमें फ़ोन करते रहे और आज भी उनका फ़ोन आया मुझको, उन्होंने पूछा कि अमित अंकल आप कैसे हैं, तो हमने कहा कि मुझे अफसोस जाहिर किया, मैंने कहा मुझे दुख इस बात का है कि मैं कहानियाँ आपके पास नहीं ले आ पा रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं कहानियाँ लाऊँगा आपके पास में। और एक छोटा सा आज जो मैं प्रेरणा में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये 5 नवंबर है आज, तो मैं जिस व्यक्ति के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ उस व्यक्ति के बारे में आप पढ़िएगा, और मैं इस व्यक्ति के बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन ये व्यक्ति कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, और इस व्यक्ति के बारे में आप लोग जानने की कोशिश करिए तो देखिए कि आप कैसे लोग हमारे देश में कितने लोग हुए हैं, कहाँ कहाँ किस प्रांत के हुए हैं और उनका योगदान किस तरह है। उसी में से एक शख्सियत है भूपेन हजारिका जी का। भूपेन हजारिका जी 2011 में 5 नवंबर को हमारे बीच में से चले गए और नहीं रहे, लेकिन भूपेन हजारिका एक ऐसा नाम, अगर आप लोग गीत से वाकिफ हो, तमाम ऐसे गाने हैं जब आप वो गाना आप कभी YouTube में सुनेंगे ना, गंगा तू बहती है क्यों, तो आपको लगेगा कि ये भूपेन हजारिका जो है किस तरह के व्यक्ति हैं। दादा साहब फाल्के अवार्ड, पद्म भूषण और तमाम अवार्ड जो उनको प्राप्त हुए, वो बीजेपी के MLA भी रहे हैं, कई योगदान रहे हैं, लेकिन एक घराना जो आसाम का एक प्रांत, उस प्रांत को लेकर पूरे विश्व में भूपेन हजारिका ने जो योगदान दिया है, बहुत कम लोग हैं। वो टोपी वाला चेहरा और वो एक माहौल बनाता हुआ भूपेन हजारिका का, तमाम पिक्चरें उसकी रुदाली और तमाम फिल्में हैं। तो आप जब तक मैं आपको शनिवार को ये नया प्रेरणा का आपको लेकर के आऊँगा, तब तक आप लोग भूपेन हजारिका के बारे में पढ़ने की कोशिश करिएगा। और मैंने ये भी महसूस किया है कि जो हमारे अब तक के जितने भी YouTube के रहे हैं, जो कहानियाँ मैंने पढ़ी हैं, और इस बीच में मेरा बेटा जो समय रिकॉर्डिंग कर रहा है वो इतफाक से वो भी आया हुआ है, आपने चापलूस मंडली सुना वो उसकी आवाज़ से, आपने पागल हाथी सुना प्रेमचंद की वो उसकी आवाज़ से, तो इतफाक से वो भी रहेगा, तो एक आध कहानी वो भी वीडियो के ज़रिए आपको बताएगा इस प्रेरणा के माध्यम से कि कैसे कहानियाँ पढ़ी जाती हैं, और अगर आपको किसी कहानी को पढ़ना होता है तो कहानी कैसे आप पढ़ सकते हैं और कहानियाँ कैसे पढ़ के आप दूसरे को बता सकते हैं। प्रेरणा एक ऐसा चीज़ है जिसके ज़रिए हम लोगों से जुड़ते हैं, जैसा मैंने शुरू से आपको कह रखा है कि हमारा माध्यम जो है वो आपको जोड़ने का है, जितने ज़्यादा इससे जुड़ेंगे, जितने लोग जानेंगे वो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। तो आज मैं संक्षेप में आपको सिर्फ यही बताने की कोशिश कर रहा था। पहली बात तो मैं बहुत दिन से आपके बीच में नहीं आया हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ वरुण श्रीवास्तव जी का और महर्षि विद्या मंदिर का, उनके पिताजी का, तमाम शिक्षक जो आप लोग हमको देखते हैं सुनते हैं। लेकिन इसके बाद शनिवार को मैं भूपेन हजारिका के बारे में विस्तृत कहानी लेकर के आऊँगा। इस बीच में आप उनको
पढ़ने की कोशिश करिएगा कि भूपेन हजारिका कौन थे और उनका क्या योगदान था हमारे देश में। ऐसे तमाम लोग हैं जिनका योगदान है। तो चलिए, मैं आज इस संक्षिप्त कहानी को यहीं समाप्त करता हूँ और फिर हम लोग मिलेंगे इतवार को। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।